नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त सोनू शर्मा। अब आपको सीधी तस्वीर सिरसा के बी ब्लॉक सिविल हॉस्पिटल रोड की दिखा रहा हूं। साथियों, यहां पर एक ई रिक्शा रिपेयरिंग वर्कशॉप पर भयंकर आग लग चुकी है साथियों, और आग के बाद में आप देख सकते हैं किस तरीके से आग ने अपना तांडव रूप दिखाया है और सारा सामान जलकर राख हो चुका है। साथियों, आप देख सकते हैं किस तरीके से पूरा सामान है वो जलकर राख हो चुका है, कुर्सी वगैरह सब चीज जल चुकी है और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंच चुकी है। बताया जा रहा है कि लाखों रुपए का नुकसान इस आग लगने से हुआ है साथियों। मिस्टर डीपी मेहता, किस तरह से आग लगी? शॉर्ट सर्किट से, शायद पीछे से वोल्टेज सप्लाई ज़्यादा आई है या क्या है, मेन शॉर्ट सर्किट ही कह सकते हैं इसको। कितना नुकसान है? नुकसान तो काफ़ी है जी, फुल दुकान थी, काफ़ी नुकसान है जी। ई-रिक्शा का? हाँ जी, हाँ जी। ई-रिक्शा भी खड़ी थी क्या? नहीं, ई-रिक्शा नहीं थी, स्पेयर पार्ट्स था उसका, कंट्रोलर वगैरह, चार्जर वगैरह, मोटर वगैरह, स्पेयर पार्ट्स का सारा सामान था इसके अंदर, और काफ़ी इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान था इसके अंदर। हाँ जी, हाँ जी। नहीं नहीं, ओनली फॉर रिपेयरिंग, ओनली रिपेयरिंग का। कितने बजे की बात है ये? अभी आधा घंटा पहले की बात है। नहीं, मैं मार्केट था एक्चुअली, पीछे से फ़ोन आया, अभी ऐसे ऐसे आग लग गई है, तो फिर अभी जस्ट मैं पहुंचा ही था, तो आई गई थी फायर ब्रिगेड भी साथ साथ आ गई थी। नहीं नहीं, पीछे वायर से हुआ है, मेन सप्लाई से, जो खंबे से वायर, अभी भी जो मेन खंबे से सप्लाई है उसकी वजह से हुआ है शॉर्ट सर्किट। नियर अबाउट 5-4 लाख का नुकसान है जी, मान के चले। नुकसान तो वही है यार, शॉर्ट सर्किट हुआ है, और ये भी पीछे वायर से ही है, ये तो होना भी अंदर का शॉप का नुकसान हुआ, तो बिजली से बाहर वाली जो शॉर्ट सर्किट हुआ उसी से हुआ अपना। मांग तो बस यही है, जो जेन्युइन नुकसान हुआ है भरपाई हो जाए तो बढ़िया ही है जी, यही कह सकते हैं। मेरा नाम सत्यवीर कुमार, लीडिंग फायरमैन। हमारे पास सूचना है कि एक राजीव पार्क के सामने एक दुकान में आग लगी है, और यह हमने आग के घटनास्थल पर हमने गाड़ी को रवाना कर दिया और हमने आगे मौके पर आग को बुझा दिया, और ये इनके ई रिक्शा वर्क्स का कोई बिजली का सामान वगैरह दुकान में बता रहे हैं, और ये शॉर्ट सर्किट की आग है मालूम होता है। हमने तुरंत कार्रवाई करते हुए हमने 10-15-20 मिनट में हमने आग को कंट्रोल कर लिया है। एक गाड़ी, एक ही गाड़ी थी।